हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी मैं सुबह सुबह का वक्त है और मैं अपने छत पर आया था। ये देखिए, दो मेरे बेहतरीन पॉट पिटूनिया के छत पर रखे हुए हैं। बहुत सारे फूल हैं इस बार इसमें, तो इस बार मैंने इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया और थोड़े से मैंने चौड़े पॉट लिए इस बार। और पॉट लेने के बाद मैंने इसका मिट्टी का मिक्सर 50% मैंने कंपोस्ट मिलाई, बाकी मिट्टी, थोड़ा सा मैंने फंगीसाइड पाउडर भी इसमें मिलाया था क्योंकि पिटूनिया में फंगस बहुत लगता है। तो आप देख रहे हैं, मैंने इसमें ये रस्सियाँ और डंडियाँ बांधी हुई हैं। इस वजह से मेरी इस पिटूनिया के पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, देखिए। और इसमें जो फूल सूख जाते हैं, इनको आप निकालते रहिए ताकि इसकी ग्रोथ होती रहे। इस तरह से आप निकालिए जैसे मैं निकालते रहता हूँ। और इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सरसों की खली के जो पाउडर या लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। और पानी आप ज़रूरत के समय ही डालिए। तो ये पॉट मैंने, ये पिटूनिया के पॉट तैयार किए थे मैंने नवंबर शुरुआत में, तब से लेके आज तक आप देख रहे हैं कितने सारे फूल, बहुत सारे फूल इन्होंने दिए। और मैं समझता हूँ कि ये भी मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये फ्लावरिंग होगी। तो आप भी इसी तरह से डंडियों और रस्सियों को बांध करके अपने पिटूनिया पॉट को नया लुक दे सकते हैं। और इसका मैंने एक वीडियो बनाया था, कैसे दें पिटूनिया को नया लुक, तो वो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये पिटूनिया के पॉट्स और मेरे ये पिटूनिया फ्लावरिंग? वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच अगेन।